राजस्थान के बारा अंता में पुलिस प्रशासन द्वारा आगामी पर्वों को आपसी सौहार्द व शांति से मनाने को लेकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुलिस उप अधीक्षक विजय कुमार की मौजूदगी में फ्लैग मार्च निकाला गया। थानाधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर ने कहा कि आगामी दिनों में हिंदू मुस्लिम समाज के धार्मिक त्यौहार आ रहे हैं और इन पर्वों को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। वह आमजन में विश्वास का संदेश देते हुए कहा कि शांति सहित भय मुक्त होकर के अपने पर्वों को आपसी सौहार्द से मनाएं। वहीं अपराधियों को संदेश दिया गया है कि कस्बे में किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाए, नहीं तो पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कानूनी कार्यवाही होगी और माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलरामपुर हरैया सतघरवा विकास खंड अंतर्गत ग्राम हिडूली कला के प्रगतिशील किसान छोटकऊ वर्मा के खेत पर मानसून गन्ना बुवाई विधिवत पूजा हवन व मंत्रोच्चारण के साथ सैकड़ों गन्ना किसानों की उपस्थिति में तुलसीपुर चीनी मिल के महाप्रबंधक गन्ना श्री विपिन कुमार खटियान के द्वारा किया गया। महाप्रबंधक ने किसानों को बताया कि असिंचित क्षेत्र में मानसून गन्ना बुवाई करने से पैदावार दोगुनी प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि प्रगतिशील कृषक वर्मा जी विगत 2 वर्षों से मानसून गन्ना की बुवाई करके 120 क्विंटल प्रति बीघा की पैदावार ले रहे हैं। किसान वर्मा जी ने बताया कि मानसून बुवाई गन्ना प्रजाति को 15,023,118 को लख 14,201 की बुवाई कुड़ के कुड़ 3 फीट 2 आंख के टुकड़ों में हैक्सपॉट हेक्सा स्टॉप नामक फफूंद नाशक रसायन से उपचारित करने के बाद गन्ने की बुवाई करके टुकड़ों को 1 इंच मिट्टी से ढक दें। ऊंची व असिंचित क्षेत्र में गन्ना प्रजाति 118 व को लख 14,201 की पैदावार बहुत ही अच्छा है। ऊंची व सिंचित क्षेत्र में को 15,023 की पैदावार उपरोक्त दोनों प्रजाति से भी ज्यादा है। हिंदी अंग्रेजी माध्यम प्री नर्सरी से कक्षा 5 तक BKS कॉन्वेंट स्कूल सर्वोत्तम किड्स केयर स्वाभिमानपुरम तुलसीपुर रोड बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9415036020। हमारी विशेषताएं खेल की आधुनिक तकनीकों द्वारा कंप्यूटर पर ध्वनि व चित्र ऑडियो वीडियो शैक्षणिक खेल के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्था इन्वर्टर जनरेटर एवं कैंट आरओ के पेयजल की व्यवस्था प्रबंधक मृदुला सिंह सह प्रबंधक अभिषेक प्रताप राष्ट्रहित। लैपटॉप का जमाना है बस्ते का वजन घटाना है सांसें हो रही कम आओ पेड़ लगाएं हम। बलरामपुर तुलसीपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भुजेहरा गांव में गुरुवार शाम पक्का मकान का छत अचानक गिर पड़ा। बाल बाल बचे परिजन पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मकान में दरारें आ गई थी। मकान में रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। शुक्रवार सुबह 8 बजे भुजेहरा गांव निवासी सहबुद्दीन पुत्र कुन्नू शाह ने बताया कि अचानक छत गिरने से 5 बच्चे सहित पति पत्नी बच गए। गनीमत रही कि रात का समय नहीं था, अगर परिजन अंदर सोए होते तो कई लोगों की जान जा सकती थी। पीड़ित ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश के कारण उसकी छत से पानी टपक रहा था, इसलिए वे काफी परेशान थे। वह एक ही कमरे में अपने बच्चों सहित रहता था, लेकिन अब वह भी गिर गया है जिससे उसके सर से छत छिन गई। उसका सामान भी मलबे में दब गया। ईश्वर का शुक्र है कि उसके परिजनों की जान नहीं गई। सरकार उसे आर्थिक मदद करे। हल्का लेखपाल रफीक खान ने बताया कि जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास भेजी जाएगी। कोशिश होगी कि पीड़ित को कुछ मुआवजा मिल जाए ताकि वे फिर से अपने कमरे को खड़ा कर सकें। और जहां कौन है औरत मुझे हरा कैसे घर गिरा? अपने आप से गिर गया। कोई चोटिल तो नहीं हुआ है? नहीं कोई नहीं। और कोई जानवर? नहीं कोई। प्रधान प्रतिनिधि ग्राम भुजेहरा, हमारे गांव में साबुद्दीन पुत्र कुन्नू का पक्का मकान छत सहित गिर गया है, जिसका सूचना
आगे अधिकारियों तक भेजा जा रहा है। हिंदी अंग्रेजी माध्यम प्री नर्सरी से कक्षा 5 तक BKS कॉन्वेंट स्कूल, सर्वोत्तम किड्स केयर, स्वाभिमानपुरम, तुलसीपुर रोड, बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9415036020। हमारी विशेषताएं खेल की आधुनिक तकनीकों द्वारा कंप्यूटर पर ध्वनि व चित्र, ऑडियो, वीडियो, शैक्षणिक खेल के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्था, इन्वर्टर, जनरेटर एवं कैंट आरओ के पेयजल की व्यवस्था, प्रबंधक मृदुला सिंह, सह प्रबंधक अभिषेक प्रताप राष्ट्रहित। लैपटॉप का जमाना है, बस्ते का वजन घटाना है, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। रायबरेली शहर के सत्यम हॉस्पिटल पर CMO की बड़ी कार्यवाही। कमिश्नर के आदेश पर CMO ने सत्यम हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। ACMO डॉक्टर अरविंद यादव ने अस्पताल के गेट पर नोटिस चस्पा किए। सत्यम हॉस्पिटल पर मासूम बच्चे के इलाज में लापरवाही से हाथ सड़ने के कारण 2 माह के मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली से। सर आज क्या कार्रवाई? आज सत्यम हॉस्पिटल में मानव आयुक्त महोदय लखनऊ एवं जिलाधिकारी महोदय रायबरेली के आदेश के क्रम में यहां का चिकित्सीय कार्य प्रतिबंधित कर दिया गया है। रीवा सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा को मारी गई गोली। थाने में ही पदस्थ SI ब्रजराज सिंह ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती, कारण अज्ञात। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।